मीरा बहन जी के साथ में 77 से मैं उनको जानता हूँ। वो बहुत ही मेहनती, ईमानदार, चरित्रवान मेरी बहन है। उनको फंसाने के लिए ये जो दुश्मन है समाज के, जो समाज विरोधी जो तत्व हैं, उन्होंने उनको जानबूझ करके फंसाया है। वो बिल्कुल भी दोषी नहीं है। ये मैं चूँकि हमारा बहुत लंबा समय उनके साथ बीता है, वो उन पर जो भी चार्ज लगे वो बिल्कुल झूठे हैं। उनकी वो समाज में आगे ना बढ़ पाए और उनके उनकी गति को, उनके विकास को रोका जा सके, इसलिए उन पर नाना प्रकार के चार्जेस लगा करके उनके विकास को रोकने का ये षड्यंत्र है। ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा किया गया ये षड्यंत्र है। बहुजन समाज एज ए होल बहुत ईमानदार समाज है, लेकिन जो ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये बहुजन समाज को बरगलाने के लिए, उसको भिन्न भिन्न प्रकार से गुमराह करने में इसने कभी कोई कसर नहीं की है, और आगे आने वाले टाइम पर भी ये 100% झूठ बोलने में कोई कमी करने वाले नहीं है। मैं बहुजन समाज के हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ कि वो ब्राह्मणवादी साजिश से बचें, वो इसके शिकार ना होने पाएं। वो 100 लोग एक साथ झूठ बोलने में सक्षम हैं, वहाँ ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा मैं 62 साल की उम्र में इनके साथ उठ बैठ करके अपने अनुभव से कह रहा हूँ। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था 100% झूठ बोलती है, और हम ईमानदार लोगों को फंसाने में कोई कमी नहीं करती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक डायलॉग है 19 सितंबर 1932 का, However they divide among themselves, but whenever there is a development of my people, there is an internal conspiracy to bolt each and every path of their progress in a merciless way. ये चाहे आपस में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये कैसे ही लड़े मरे, लेकिन जब मेरे गरीबों के उत्थान का कोई भी सवाल खड़ा होगा, ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे और निर्दयता पूर्वक ये मेरे लोगों की गति को रोक देंगे। जब बाबा साहब ने 19 सितंबर 1932 को ऐसा बोला था, आज 90 साल हो गए हैं बाबा साहब ने जो कहा, इन ब्राह्मणवादी लोगों की मानसिकता में कोई अंतर नहीं आया है। बहुजन समाज, इनसे सावधान हो जाओ। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सारे के सारे लोगों को अपनी गुलामी से, अपनी कमजोरी से यदि मुक्ति पानी है, तो ये जन जागरण आपस में करना होगा, भाईचारा बढ़ाना होगा, और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को परास्त करने के लिए अकल से काम लो। इनके बहकाए में कभी मत आओ। हमारे समाज के जो एजेंट हैं, जो इनके यहाँ नौकरी करते हैं, वो उनके सहारे उनकी रोटी रोजी तो चल सकती है, लेकिन बहुजन समाज का आंदोलन ये एजेंट कभी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये 15% लोग, इनकी तादाद 85 के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने इन 85 के 85 भाग कर रखे हैं। ये 85 भाइयों को समझने की ज़रूरत है। हमें अपने बीच जो एजेंट तैयार हो रहे हैं, वो चाहे MLA के रूप में हों, चाहे MP के रूप में हों, वो हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमें इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, इनके बहकाए में आने की ज़रूरत नहीं है।